तुलसी साहिब को राजी कर परमातम दिल तख्त नशीन बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, बाप दादा सच्चे दिल पर राजी हैं, तीव्र दिमाग वालों पर नहीं। तो दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। सामाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। मौलिक को सामाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। जो दिल के स्नेह से याद नहीं करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती है। कितनी अच्छी बात है। सच्ची दिल बाबा कितना सच्चा बाप है। सच्ची दिल, सच्ची दिल मतलब ऑनेस्ट हार्ट नहीं है। सिर्फ हम कहते हैं मैं ना जो भी है ना अंदर बोल देती हूँ, मेरा दिल बड़ा सच्चा है, मैं रखती नहीं हूँ अंदर कुछ। तो ऑनेस्टी को सच्चा दिल नहीं कहेंगे, लेकिन सच्ची दिल जिसमें विशाल दिल, श्रेष्ठ दिल, वो है सच्ची दिल। वो तो दुनिया की डेफिनेशन है ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना। तो सच्ची दिल अर्थात कोई कैसा भी हो तो उसको स्नेह और सहयोग देने की भावना, सच्चा दिल। कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देना। अब देखो, सपोज युगल ज्ञान में नहीं चल रहे और कुछ ऐसा भी रॉन्ग भी है काम, हम कहते बाबा को मैंने बोला है, बहुत सच्चे दिल से बोला है, लेकिन उस आत्मा के प्रति थोड़ा भी व्यर्थ संकल्प है या घृणा भाव है, ये तो ऐसे करते हैं, ये तो ऐसे है, तो श्रेष्ठ भावना कहेंगे? फिर कहते मुझे बस यही एक ही है कि ये बाप बाबा के बच्चे बन जाए। तो बाबा का बच्चा बनने की भावना का मतलब है श्रेष्ठ भावना। वो छोटा थोड़ा सा भी क्रोध की भावना, घृणा भाव, ये भावना, तो कोई कैसा भी हो सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। मेरा सहयोग कम हो जाएगा क्योंकि उसकी भावना ऐसी, ये सहयोग की भावना। और दूसरा अपनेपन की भावना। तो एक एक भावना, जो पांच भावना बताई ना, हम थोड़ा इसके एक्सरे करेंगे बाबा के। सच्ची दिल, तो सच्ची दिल मतलब सच्ची भावना। सच्ची भावना मतलब जो भी गलत है वो नहीं, लेकिन ऐसी भावना उसको सच्ची भावना। तो एक तो अपनेपन की भावना की फीलिंग, अपना है ये भी सच्चे दिल में आएगा, सच्चा भावना। भावना ये उसका है, ये मेरा नहीं है, ये भी अपने अपनेपन की भावना, क्योंकि आत्मा की फीलिंग है ना, तो अपनेपन की भावना होगी उसके प्रति। किसको भी देखो अपनेपन की भावना हो। तो ये वाली, अब तो भी इसकी डिटेल हम एक-एक की करेंगे। सदा स्नेह और सहयोग की देने की भावना, अपनेपन की भावना, तो अपनेपन की और डिटेल कल करेंगे। पांच भावना बाबा ने बताई है ना उसमें। तो कोई कैसा भी है, होमवर्क है, रॉन्ग दिखाई भी दे रहा है, अब उसके लिए कैसे स्नेह और सहयोग की भावना, ये परवश है ये। लेकिन अंदर एक संकल्प है कि ये महान है, क्योंकि ये आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है। भावना महान है, पता दिखाई दे रहा है रॉन्ग है, और क्यों भावना महान है, क्योंकि पता ये परवश, इसको पता नहीं है ना। तो बाबा बोलता है, हम थोड़ी बोलेंगे। तो पता है ना, ये हम कैसे कह रहे हैं कि गलत दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में क्या क्लियरिटी है हमको कि ये परवश है ना, इसको पता नहीं है कि ये महान है, आत्मा अर्थात सब गुणों में फुल। तो इस आत्मा को पता नहीं है कि ये महान है,
बेसिकली आत्मा तो है ना, बेसिकली हाँ, तो बेसिकली आत्मा है, डायमंड है। तो ये महान है, ये फीलिंग है, साथ और साथी का एक्सपीरियंस, दो चीज का। बाद में बैठते हैं। तो सर, साथ और साथी का एक्सपीरियंस, ठीक है, ये फीलिंग, भावनाएं, ये सबसे बहुत पावरफुल मुरली, जिसमें अपनी भावनाएं, भावना भी श्रेष्ठ है, लेकिन सहयोग की भी भावना है और समझ भी पूरी है।